गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा कोरल रीफ। कोरल रीफ एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ओशियंस के अंदर पाया जाता है और बहुत ही वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखने को मिलता है। वैसे तो अगर बात करी जाए तो हमारा जो ओशियनिक सरफेस है उसका लगभग 1/10 हिस्सा यानी कि 0.1% एरिया जो है टोटल ओशियनिक कवर का कोरल रीफ के द्वारा कवर किया जाता है। लेकिन जो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ के लगभग 25% जो प्रजातियां पाई जाती हैं उन प्रजातियों को एक शेल्टर प्रोवाइड करने का काम जो है वो कोरल रीफ के द्वारा किया जाता है। और बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक फीचर जो है ये पाया जाता है और बहुत इम्पोर्टेंस भी इसकी जो है और कई बिलियन डॉलर में जो है वो जो इकोनॉमिक वैल्यू है कोरल रीफ की वो भी आंकी गई है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर है और इसको यदि हम समझें कि कोरल रीफ होता क्या है या कहाँ पर पाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, उस संदर्भ में यदि बात करी जाए तो जैसा कि हमने बात करी है कि ये सबमरीन फीचर है। सबमरीन फीचर का मतलब एक ऐसा एक फीचर है जो पानी के नीचे पाया जाता है, पानी के ऊपर नहीं होता है ना बहुत गहराई में होता है, लेकिन ये बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और ओशनिक वाटर जो है एग्जिस्ट करता है और इसी कारण इसको सबमरीन फीचर कहते हैं। 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर 25 डिग्री साउथ लेटीट्यूड जो हमारा है उनके बीच में जो कोरल का एरिया है वो विस्तृत पाया जाता है। यानी अधिकांश जो एरिया है, यूँ कह लीजिए कि कोरल का जो एक्सटेंशन है वो 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में पाया जाता है। कोरल जो रीफ होती है, रीफ बेसिकली एक स्केलेटन होता है, ये वो अस्थि पिंजर या ढांचा होता है जो उस जीव का होता है जिस जीव की वजह से या जिस जीव के ढांचे की वजह से इस रीफ की डेवलपमेंट होती है और उस जीव को हम नाम देते हैं कोरल पॉलीप का। और ये जो कोरल पॉलीप्स होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, यानी बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप जो है इन जीवों का पाया जाता है। और लाइम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनकी सतह से लगातार जो है वो लाइम रिलीज होता रहता है और उसी रिलीज्ड लाइम की वजह से जो सेल डेवलप होती हैं, जो कालकेरियस सेल होती हैं, वो कालकेरियस सेल का जो अकुमुलेशन है वो अकुमुलेशन लास्ट में रीफ की डेवलपमेंट करता है, जो बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक फीचर पाया जाता है। और एक ग्रुप में जैसा कि हमने पहले बात करी है ये रहते हैं और उस ग्रुप को हम कॉलोनी का नाम देते हैं। और कालकेरियस जो सेल है वो इनके चारों तरफ लगातार, क्योंकि जो लाइम की सीक्रेटिंग होती है, जो लाइम लगातार इनकी बॉडी से रिश्ता रहता है, वो एक सेल की डेवलपमेंट करता है और ये सेल जो है वो कैल्शियम में रिच होती है और इसी कारण इसको कालकेरियस सेल का नाम दिया जाता है। और यही कालकेरियस सेल का जो अकुमुलेशन है और जो कॉम्पैक्शन है, इसी का इकट्ठा होना और इसी का कॉम्पैक्ट होते चले जाना रीफ को डेवलप करता है। और एक सूटेबल डेप्थ जो सामान्य तौर पर लगभग 300 फीट के आसपास मानी जाती है, यानी समुद्र तल से 300 फीट की गहराई तक जो है वो कोरल जो पॉलीप्स हैं ये कोरल पॉलीप जीवित रह सकते हैं। और तो ये जो सेल है इनके द्वारा जो रिलीज होती है लगातार, जो सीक्रेट होती रहती है, ये भी 300 फीट की गहराई तक मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा केसेस में जो है वो 300 फीट से अधिक पाई जाती है। और ये जो कोरल पॉलीप्स हैं ये सी लेवल तक पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली डाइवर्सिफाई होने के कारण, इनकी डाइवर्सिटी अधिक होने के कारण इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन के नाम से या उपाधि से इनको नवाजा जाता है। यानी दे आर आल्सो एट्रीब्यूटेड एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन ड्यू टू देयर हायर अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी। कुछ कंडीशंस की यदि बात करी जाए कि ये जो कोरल पॉलीप हैं जिनकी वजह से इस कोरल की रीफ की डेवलपमेंट होती है, ये कोरल पॉलीप किन वातावरणीय किन एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह सकते हैं, तो पहली यदि कंडीशन की मैं बात करूं तो ना तो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान में और ना ही बहुत ज़्यादा निम्न तापमान में, यानी एक जो मॉडरेट लेवल का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सूटेबल होता है इनके एग्जिस्टेंस के लिए। और वो टेम्परेचर के रेंज की अगर बात करी जाए जो आइडियल होती है
इन कोरल पॉलिप्स को जीवित रहने के लिए वो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर की रेंज है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है इनके एग्जिस्टेंस के लिए। और दूसरी फिर यदि बात करी जाए, पहला तो तापमान, यानी इससे कम या अधिक तापमान होता है समुद्र के पानी का, तो कोरल पॉलिप उस स्थिति में वहाँ पर जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा, इनको जीवित रहने के लिए जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है, और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वाटर की, वो भी इनको ज़रूरी होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा गहराई तक पानी में भी प्रवेश नहीं कर पाता है, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी जो गहराई है समुद्र की बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और इसी कारण जो सूटेबल डेप्थ होती है वो 300 फीट के आसपास ली जाती है। यानी समुद्र के तल से लेकर 300 फीट समुद्र का जो सतह है, जो सी लेवल सरफेस है, जो सी का, वहाँ से लेकर 300 फीट की गहराई तक ये जीवित रह सकते हैं। और फिर इनकी जो एक और अन्य आवश्यकता है कोरल पॉलिप्स की बात करी जाए, इनको सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, और टर्बुलेंस भी उस पानी में बहुत कम होना चाहिए। कुछ मात्रा में टर्बुलेंस भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस यानी पानी का जो उतार चढ़ाव है वो भी इनके एग्जिस्टेंस के लिए, इनके जीवन के लिए घातक होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो फ्रेश वाटर के एरियाज हैं, खासकर रिवर माउथ की यदि हम बात करें, तो वो एरिया कोरल पॉलिप्स की डेवलपमेंट के लिए उचित नहीं होता है, क्योंकि कुछ मात्रा में जो सेलिनिटी है वो भी इनको आवश्यक होती है। और इसीलिए जो है 27 से लेकर 30% ऑफ परसेंट जो सेलिनिटी पाई जाती है वो एक आइडियल कंडीशन इनको प्रोवाइड करती है। यानी जहाँ पर रिवर माउथ्स हैं, रिवर जो समुद्र में मिलती है, वो एरिया इनके जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन उससे आगे पीछे का एरिया जहाँ पर 27 से 30 की रेंज में जो ओशनिक सेलिनिटी है वो पाई जाती है, तो उस स्थिति में जो है, क्योंकि लाइम की इनको रिक्वायरमेंट भी होती है और वही सीक्रेट भी करता है इनकी बॉडी से, तो इसलिए सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए, सेलाइन वाटर चाहिए। और इसके अलावा टर्बुलेंस की जो बात करी गई थी, जो ओशनिक करंट्स हैं और जो वेव्स हैं वो भी इनके लिए खाना लेकर आते हैं, तो बिल्कुल शांत पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पानी की गति भी बहुत अधिक जो है, वो उतार चढ़ाव भी उसमें बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और तब जाकर ये कोरल पॉलिप जीवित रह सकते हैं, वहाँ पर कॉलोनीज एस्टेब्लिश करते हुए रीफ की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसी कारण, क्योंकि इनको ओशनिक करंट जो है वो और वेव्स इनको खाना लेकर आते हैं, तो जितने भी क्लोज्ड सी हैं और जितने भी लगूनस हैं वहाँ पर इनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि ओशनिक करंट की जो एग्जिस्टेंस है वो एनक्लोज सी में जो है नहीं पाई जाती, और क्लोज सी में और लगून में भी नहीं होती, तो वो ओपन सी में होती है, वहीं पर ये कोरल पॉलिप्स जो है वो जीवित भी रहते हैं। और इनको एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए, क्योंकि ये पानी के अंदर जो है अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, वो कॉलोनी को एस्टेब्लिश करने के लिए इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए जिसके ऊपर ये कॉलोनी एस्टेब्लिश करें, लाइम को सीक्रेट करें, वो जो कालकेरियस सेल है वो वहाँ पर डेवलप हो, लगातार वो निक्षेपित होती रहे, डिपॉजिट होती रहे, इकट्ठी होती रहे, कॉम्पैक्ट होती रहे, और अंत में जाकर जो है, और धीरे धीरे फिर अंत में ना कहीं धीरे धीरे वो जो है रीफ को डेवलप कर सके। तो कोरल रीफ की देखिए यदि बात करी जाए, और इसको हम कंक्लूजन के तौर पर थोड़ा सा यहाँ तक लें, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ये पाया जाता है, क्योंकि इनको 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, वो तापमान इसी एरिया में एग्जिस्ट करता है। जो सेलिनिटी की बात करें, ट्रॉपिक्स के एरिया में बात करें तो सेलिनिटी बहुत हाई होती है, और अगर हम पोलर एरिया की बात करें तो सेलिनिटी बहुत लो होती है, तो वहाँ पर कोरल जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है, और पानी के तापमान में भी अंतर होता है, तो इसी कारण वो 27 से लेकर 30% ऑफ परसेंट जो सेलिनिटी पाई जाती है वो इस एरिया में उपयुक्त होता है, ये एरिया इनकी ग्रोथ के लिए। और ओपन सी जो हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और जो ओशनिक करंट्स हैं, वेव्स की डेवलपमेंट भी ईस्टर्लीज के प्रभाव में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसी कारण जो कोरल रीफ का एक्सटेंशन है वो 25 डिग्री उत्तर से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में सबसे अधिक पाया जाता है। कोरल रीफ के अगर प्रकार की बात करी जाए, टाइप की बात करी जाए, तो सामान्य तीन प्रकार की जो है ये रीफ पाई जाती है, और ये प्रकार जो है इनका ओरिजिन के आधार पर होता है, और लोकेशन के आधार पर भी हम कोरल रीफ को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन हम थोड़े समय के बाद करेंगे। पहला, यदि ओरिजिन के आधार पर किया जाए तो फ्रिंजिंग रीफ होती है, फ्रिंजिंग रीफ के बाद जो है बैरियर रीफ होती है, और फिर अटोल की डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले यदि हम फ्रिंजिंग रीफ की बात करें, जैसा कि इसके नाम से क्लियर होता है,
कि ये फ्रिंज एरिया में पाई जाती है, और फ्रिंज एरिया को यदि हमें देखना है तो ये फ्रिंज एरिया अर्बन का फ्रिंज नहीं है। ये फ्रिंज कहाँ है? ये मिलता है ओशियंस में और कॉन्टिनेंट के साथ वाले एरिया में। तो फ्रिंज एरिया कौन सा? ऐसा एरिया जो ना तो पूर्ण रूप से कॉन्टिनेंटल एरिया है और ना पूर्ण रूप से ओशियनिक एरिया है, उस एरिया में जो है इस फ्रिंजिंग रीफ की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, और वहाँ पर जो रीफ डेवलप होती है इसीलिए उस रीफ को भी हम फ्रिंजिंग रीफ के नाम से जानते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स या आइलैंड के जो मार्जिन्स हैं उस एरिया में जो रीफ डेवलप होती है उस रीफ को हम फ्रिंजिंग रीफ के नाम से जानते हैं। इस रीफ की जो चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है, और इसकी स्लोप की यदि बात करी जाए यानी दो तरफ का एरिया यदि हम मैं लेके चलूँ तो मेरी जो फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सीवर्ड एरिया है, और जो आपको पीछे का हिस्सा दिख रहा है वो लैंडवर्ड एरिया है। तो सी की तरफ इसकी स्लोप अधिक होती है, तेज होती है, और लैंड की तरफ जो है एक जेंटलर स्लोप की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि लैंड पे जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो जो सूटेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म पे इनकी डेवलपमेंट होती है, और इसी कारण एक जेंटलर स्लोप डेवलप होती है लैंड की तरफ और स्टीप स्लोप डेवलप होती है इसमें ओशियंस की तरफ। इसका जो ऊपरी धरातल होता है फ्रिंजिंग रीफ का वो अनइवन होता है, क्योंकि सेल्स की डेवलपमेंट है और सेल्स की डेवलपमेंट इरेगुलर होती है, और उस इरेगुलरिटी की वजह से ही जो है इसका ऊपरी जो सरफेस होता है वो भी अनइवन पाया जाता है, बिल्कुल फ्लैट नहीं पाया जाता है, और जनरली जो सोर लाइन होती है उसके साथ अटैच होती है ये, इसी कारण इसको फ्रिंजिंग रीफ का नाम भी दिया जाता है। लेकिन कभी कभार एक बहुत नैरो चैनल जो है वो फ्रिंजिंग रीफ और जो कोस्ट है उसके बीच में डेवलप हो जाता है, जिसको बोट चैनल के नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर और रेड सी में कुछ इस प्रकार के जो चैनल हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, और ये भी फ्रिंजिंग रीफ की देखिए यदि बात करी जाए तो इसको ये भी दो प्रकार की होती है। एक फ्रिंजिंग रीफ वो होती है जो बैरियर रीफ के द्वारा प्रोटेक्ट करी जाती है, यानी हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया है उसके आगे बैरियर रीफ पाई जाती है, और उसके बीच में जो है वो कहीं पर फ्रिंजिंग रीफ जो है वो एग्जिस्ट करती हुई पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो यानी आप इसको जो है मान लीजिए कि ये हमारा सोर का एरिया है और इस एरिया में जो है बैरियर रीफ पाई जाती है, तो इस बीच के एरिया में जो रीफ पाई जाती है उस रीफ को हम नाम देते हैं प्रोटेक्टेड बाई बैरियर, यानी ए रीफ दैट इज प्रोटेक्टेड बाई बैरियर। और अगर ये जो बैरियर रीफ है ये एग्जिस्ट ना करती हो तो यहाँ पर जो ये फ्रिंजिंग रीफ पाई जाएगी वो फ्रिंजिंग रीफ फेसिंग द ओपन सी, यानी दो प्रकार की होती है, खुले समुद्र की तरफ भी पाई जाती है, और इसके साथ साथ यदि बात करी जाए तो ये प्रोटेक्ट जो बैरियर रीफ है उसके द्वारा भी प्रोटेक्टेड हो सकती है। और इस डायग्राम में देखिए यदि आप देखें तो ये जो आइलैंड है इस आइलैंड के चारों तरफ और इधर जो है ये समुद्र है, इस समुद्र के और आइलैंड के बीच में यानी ये जो मार्जिन का एरिया है ये जो इसके किनारे हैं इन किनारों पे जो ये रीफ डेवलप हुई है इस रीफ को हम फ्रिंजिंग रीफ का नाम देते हैं। और फ्रिंजिंग रीफ शायद इसको इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल एरिया जो सोर का एरिया है जो कोस्ट का एरिया है बिल्कुल उसके साथ सटी हुई पाई जाती है। इधर का जो स्लोप है वो जेंटलर होता है और ये सी वर्ड जो स्लोप है वो इसका स्टीप पाया जाता है। और फिर यदि हम दूसरी प्रकार की रीफ की बात करें इसको हम कहते हैं बैरियर रीफ, और बैरियर रीफ जैसा कि इसके नाम से भी जो है वो क्लियर है कि ये एक बैरियर का काम करती है, इसी कारण इसको बैरियर रीफ कहा जाता है। और बैरियर का यदि ये काम करती है तो जो कोस्टल एरिया है उसके साथ इसका जुड़ाव नहीं होता, कोस्टल एरिया से थोड़ा सा आगे का जो समुद्री भाग होता है वहाँ पर ये डेवलप होती है एग्जिस्ट करती है, और वहीं पर एग्जिस्ट करते हुए जो सी में घटने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं और जो कोस्टल एरिया है उन घटनाओं से उस कोस्टल एरिया के बीच में ये एक बैरियर का काम करती है, इसी कारण इसको बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। और ये जो रीफ है ये सभी तरह की यानी अटोल की बात करें फ्रिंजिंग की बात करें उन दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंशन पाया जाता है सबसे अधिक जो रीफ पाई जाती है वो बैरियर रीफ पाई जाती है ऑफ द कोस्ट होती है, लेकिन वो जो हमारा कोस्टल एरिया है उसके पैरेलल ये पाई जाती है। और इसका जो सरफेस होता है उस सरफेस के ऊपर बोल्डर हैं, कोरल डेब्रीज है, और इसके अलावा सैंड जो है ये भी डिपॉजिटेड पाया जाता है। और आउटवर्ड जो स्लोप होती है इसकी वो 45 डिग्री की होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये जो स्लोप का जो एग्जिस्टेंस है ये 15 से 25 डिग्री के बीच में रेंज करता हुआ भी पाया जाता है। और
जो लैगून्स होते हैं रीफ और जो कोस्टल एरिया है उन दोनों के बीच में जो बीच का जो खाली भाग होता है, यानी एक तरफ बैरियर रीफ है और एक तरफ कोस्टल एरिया है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से में जो समुद्र का पानी जो लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको हम लगून का नाम देते हैं। लेकिन इस ये बैरियर जो रीफ है ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, कुछ जगह पर या एक लंबी दूरी तक ये कंटिन्यू भी पाई जाती है, लेकिन इसके बीच बीच में जो है वो ब्रेक्स पाए जाते हैं, ये ब्रोकन होती है। और कभी ये ब्रोकन जो पार्ट हैं ये नैरो भी होते हैं, लार्जर भी होते हैं, ये बहुत पतले भी पाए जाते हैं, यानी वो जो गैप है बहुत थोड़ा भी होता है और इतना बड़ा भी होता है कि एक समुद्री जहाज जो है वो भी लगून में प्रवेश कर सकता है उस रास्ते से होते हुए। और जो बेस है इस बैरियर रीफ का, जो रिक्वायर्ड डेप्थ की हमने बात करी थी कि कोरल पॉलिप जो है वो 300 फीट की गहराई तक सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो बैरियर रीफ है उसकी गहराई उस 300 फीट की तुलना में कहीं अधिक पाई जाती है। और यही एक वो फीचर है जो फीचर खासकर जो रीफ की डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, क्योंकि अगर सारी कंडीशन जो कोरल पॉलिप के जीवित रहने के लिए आवश्यक थी उसी के अनुसार सारी की सारी रीफ एग्जिस्ट करती हुई पाई जाती, तो उस स्थिति में जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना था। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन आता है कि बैरियर रीफ की जो गहराई है वो बहुत अधिक पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे के ऊपर जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो संसार का सबसे बड़ा बैरियर रीफ पाया जाता है। 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। लगभग 1920 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और 11 से लेकर 128 किलोमीटर तक जो है ये रीफ ऊपर से चौड़ी भी पाई जाती है। और यहाँ पर इस डायग्राम में यदि आप देखें तो यहाँ पर यही बैरियर रीफ दिखाई गई है, आइलैंड है, और इस आइलैंड के बिल्कुल इन किनारों के ऊपर जब रीफ डेवलप हुई थी तो उस रीफ को हमने फ्रिंजिंग रीफ का नाम दिया था। लेकिन ये जो रीफ है ये रीफ इन किनारों से दूर विकसित हुई है, और इस एरिया में जो समुद्र है और यहाँ पर ये जो कोस्टल एरिया है इन दोनों के बीच में ये जो बैरियर का काम करती है उसी कारण इस रीफ को बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों के मध्य में, यानी ये कोस्टल एरिया और इधर से बैरियर रीफ, इसके बीच का जो ये एरिया होता है इस एरिया को हम लगून का नाम देते हैं, जो नॉर्मली बहुत शैलो डेप्थ जो है जहाँ पर इनकी पाई जाती है। और ये बैरियर रीफ कंटिन्यूअस नहीं होती, इसके बीच में गैप पाया जाता है, और कभी कभार वो गैप इतना बड़ा भी हो जाता है कि उसके बीच से एक समुद्री जहाज लगून में प्रवेश भी कर जाता है। इसके बाद और ये दूसरा जो है अगर डायग्राम में आप देखें तो ये हमारा जो लगून का पार्ट है ये बैरियर रीफ है और ये कोस्टल एरिया है, तो ये जो है इसका एक अलग एग्जाम्पल जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ यदि आप देखेंगे तो ये जो बैरियर रीफ है काफ़ी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कहीं कहीं इसमें इस प्रकार से जो है वो ब्रोकन पार्ट्स भी इसके पाए जाते हैं। तीसरी रीफ की यदि बात करी जाए तो ये जो रीफ होती है इसको अटोल का नाम दिया जाता है, और अटोल की यदि मैं बात करूँ एक हॉर्स शू की जो शेप होती है, यानी घोड़े का जो खुर होता है उसके समान इसकी आकृति पाई जाती है। एक नैरो रिंग होता है, यानी अब जो रीफ है वो एक रिंग शेप में पाई जाती है, और उस रिंग के ऊपर जो है वो पाम के जो पेड़ हैं वो उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसी अवस्था में जो रीफ डेवलप होती है उस रीफ को हम अटोल कहते हैं, और सामान्य तौर पर ये एक आइलैंड के चारों तरफ भी पाई जाती है, और इसी और आइलैंड के चारों तरफ भी पाई जाती है, और इलिप्टिकल शेप भी जो है इसकी देखने को मिलती है। कभी कभी जो लगून होता है इसके मध्य में वो बहुत शैलो डेप्थ का पाया जाता है, और जो कोरल आइलैंड्स हैं जैसे जैसे इस कोरल एरिया पे ये जो रिंग डेवलप होता है इस रिंग के ऊपर धीरे धीरे जैसे ही जो मरीन सेडिमेंट है उनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर एक आइलैंड की डेवलपमेंट जो है वो भी शुरू हो जाती है। और ऐसी जो आइलैंड की डेवलपमेंट होती है, जो आइलैंड होता है उस आइलैंड को हम कोरल आइलैंड का नाम देते हैं। और ये जो अटोल होता है ये 3 प्रकार का पाया जाता है। यदि ये पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाए और उसके मध्य भाग में एक सेलो लगून पाया जाता है तो इसको ट्रू अटोल का नाम दिया जाता है। यदि इसके मध्य भाग में जो सेंट्रल पार्ट है उस सेंट्रल पार्ट में एक आइलैंड एग्जिस्ट करता है तो इसको आइलैंड अटोल कहते हैं। और कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जैसे कोरल आइलैंड के केस में होता है
ये आइलैंड शुरुआती दौर में नहीं होता है मध्य भाग में, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक आइलैंड जो है इसके बीच में अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस अटोल को कोरल आइलैंड या फिर अटोल आइलैंड का नाम दिया जाता है। और इस डायग्राम में देखिए, यदि आप देखें तो ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर है, हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर कह लीजिए, और इसके बीच वाले भाग में जो है पूरा सेलो लगून एग्जिस्ट करता है, इसको हम ट्रू अटोल का नाम देते हैं। और दूसरी तरफ ये वाला जो हिस्सा है, इसमें आप देखेंगे तो बीच में पूरा का पूरा आइलैंड है, तो ये हमारा अटोल आइलैंड कहलाता है। और तीसरा ये डायग्राम यदि आप देखें, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि बीच वाले हिस्से में इस समय पर लगून है और आइलैंड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर इस हिस्से में अगर बाद में आइलैंड निकल जाए तो इसको कोरल अटोल या कोरल आइलैंड या अटोल आइलैंड के नाम से जो है, आइलैंड अटोल के नाम से इसको जाना जाता है। और फिर यदि जो है, और इसके अलावा देखिए, रेड सी, इंडोनेशियन सी है, चाइना सी है, एंटलिस है, या नॉर्थ वेस्ट मेडागास्कर है, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इस रीफ की डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस डायग्राम से आप तीनों जो टाइप हैं रीफ के, यानी शुरू में एक आइलैंड एग्जिस्ट करता है, उसके मार्जिनल एरिया में रीफ डेवलप होती है, ये फ्रिंजिंग रीफ कहलाती है, फिर फ्रिंजिंग रीफ जब कोस्टल एरिया को छोड़ देती है, बैरियर रीफ कहलाती है, और ये आइलैंड जो है जब बीच में से एक्सटिंक्ट कर जाता है तो ये अटोल कहलाता है। और कुछ इसी आधार पर जो है, जो थ्योरी जितनी भी प्रपोज करी गई हैं, चाहे हम चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई सब्सिडेंस थ्योरी की बात करें, या फिर हम जो है वो मुरे के द्वारा दी गई स्टैंड स्टील थ्योरी की बात करें, या फिर डेली के द्वारा दी गई ग्लेशियल इरोजन थ्योरी की बात करें, और या फिर उन एविडेंसेस की बात करें जो डेविस ने प्रपोज किए थे, इन थ्योरीज के जो अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व करने के लिए जो एविडेंस प्रोवाइड करे थे, ये सारी की सारी जो थ्योरीज हैं वो इसी सिक्वेंस को फॉलो करती हैं। यानी उन थ्योरीज में सबका मानना है कि एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट होती है, यानी पहले एक आइलैंड होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे फ्रिंजिंग रीफ डेवलप करती है, फ्रिंजिंग रीफ बैरियर में कन्वर्ट हो जाती है, और बैरियर रीफ जो है वो अंत में अटोल में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ ऐसा इन थ्योरीज में जो है वो माना गया है। और इसके अलावा जो है, अगर लोकेशन के आधार पर भी हम रीफ को डिवाइड करें तो दो तरह की होती है, एक ट्रॉपिकल कोरल रीफ होती है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में तो पाई ही जाती है, 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ जो लेटीट्यूड है उनके बीच में मिलती है, 100 से 400 फीट की डिप्थ पे ये पाई जाती है, मोस्टली सर्कुलर है इस एरिया में। और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे जो है ये पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो पूर्वी पवने चलती हैं वो पूर्वी पवने महाद्वीपों के पश्चिमी भाग से, यानी समुद्र का जो पूर्वी भाग है वहाँ से पानी को लेकर आती हैं, और वो सारे करंट्स जो हैं उसके ईस्टर्न पश्चिम जो कॉन्टिनेंट है उनके ईस्टर्न पार्ट में इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पर जो है, उस एरिया में जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रीफ है वो एग्जिस्ट करती है ट्रॉपिकल एरिया में, और लगभग सभी जितनी भी प्रजातियाँ रीफ की पाई जाती हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा यदि बात करी जाए मार्जिनल बेल्ट कोरल रीफ की, तो ये 25 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दक्षिण जो लेटीट्यूड्स हैं उनके बीच में पाई जाती है, लेकिन जो कोरल पॉलीफ होते हैं इस एरिया में, ऐसा माना जाता है कि प्लिस्टोसिन एज में जिस समय पर जो तापमान है समुद्र के पानी का वो बहुत कम हो गया था, उस समय पर जो अधिकांश पॉलीफ थे उनकी डेथ हो गई थी, और उस कारण जो रीफ था वहाँ पर जो बाद में जो ओशियनिक जो सी वेव्स की इरोजनल एक्टिविटी या एब्रेजन जो एक्शन था उसके द्वारा वो रीफ भी वहाँ से रिमूव जो है वो हो जाता है। तो ये एक्सटिंक्ट पार्ट है, लेकिन ये मार्जिनल बेल्ट होती है कोरल रीफ की, जो 25 से 30 के दक्षिणी अक्षांशों और उत्तरी अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। और थ्योरीज की देखिए, जैसे मैंने बात करी थी, तो ये जो थ्योरी हैं ये दो कंसिडरेशंस के ऊपर बेस्ड हैं, जितनी भी कोरल रीफ की डेवलपमेंट से संबंधित थ्योरी दी गई है। पहली जो अवधारणा है वो प्लिस्टोसिन का जो सी लेवल का चेंज था, यानी प्लिस्टोसिन एज में जो समुद्र के पानी में जो उतार चढ़ाव आया था उससे संबंधित हैं। दूसरी थ्योरी की यदि बात करी जाए तो ये जो थ्योरी हैं ये लैंड को स्टेबल भी मानती हैं, अनस्टेबल भी मानती हैं, और इसी आधार पर जो है एक सब्सिडेंस थ्योरी है जो लैंड को इनस्टेबल मानती है, यानी लैंड जो है अनस्टेबल है, वो लगातार सबसाइड करता है, और दूसरी तरफ जो नॉन सब्सिडेंस थ्योरी है, स्टैंड स्टील थ्योरी है, वो लैंड को स्टेबल मानती हैं। और ये जो स्टेबल लैंड की जो थ्योरीज हैं ये थ्योरी दो आधार पर जो है वो दी गई हैं। पहला, जैसा कि हम बात करें
मुरे की, तो उन्होंने कहा था कि समुद्र के पानी के सतह में कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी अनचेंज्ड जो सी लेवल है उसके ऊपर आधारित हैं। और यदि हम दिल्ली की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो ग्लेशियल जो पीरियड था उसमें सी लेवल में चेंज आया था, और इसीलिए उनकी थ्योरी भी ग्लेशियल इरोजन थ्योरी कहलाती है। तो ये सी लेवल के चेंज को भी मानती हैं। और जो लैंड की स्टेबिलिटी है तीन कंडीशंस पे डिपेंड करती है। पहला, स्टेशनरी जो लैंड है या आइलैंड वो पाए जाएँ, सबसाइडिंग लैंड पाए जाएँ, एमर्जिंग लैंड पाए जाएँ, यानी लैंड जो है स्टेबल भी हो सकता है, वो पानी की सतह से ऊपर आता हुआ भी हो सकता है और पानी की सतह के नीचे जाता हुआ भी हो सकता है, सबसाइडिंग भी हो सकता है, एमर्जिंग भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है। इन्हीं तीन अवधारणाओं के ऊपर जो है ये थ्योरीज आधारित हैं। सबसे पहले यदि डार्विन की बात करी जाए तो जैसा कि चार्ल्स डार्विन के बारे में कहा जाता है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर उन्होंने जो किताब लिखी थी वही उनकी जो है वो मुख्य प्रेरणा भी थी। और आगे चलकर इन्होंने 1827 में जो है चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ से संबंधित सब्सिडेंस थ्योरी दी थी, और 1842 में जो बीगल का वोएग था इनका, उससे जो डेटा इनको प्राप्त हुआ, बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई भी किया था। और ये असल में जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ की, इसमें चार्ल्स डार्विन का ऐसा मानना है कि जो लैंड है, वो जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोरल पॉलिप कॉलोनीज एस्टेब्लिश करते हैं, वो लैंड स्टेबल नहीं है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, वो लगातार सबसाइड करता रहता है, और इसी कारण इस थ्योरी को सब्सिडेंस थ्योरी का नाम भी दिया जाता है। इनका मानना था, चार्ल्स डार्विन की यदि बात करी जाए, कि जो कोरल पॉलिप्स हैं वो सेलो ओशियंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहराई में जीवित नहीं रह सकते हैं, और लेकिन जो कोरल रीफ है वो काफ़ी गहराई तक जो है वो पाई जाती है, जहाँ पर जो पॉलिप्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका सर्वाइवल की जो गहराई है हमने 300 फीट मानी थी, और यदि 800 फीट पे 700 फीट पे कोरल रीफ पाई जाती है तो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पर जो इस रीफ की डेवलपमेंट हुई है। इसी को लेकर जो थ्योरी है सब्सिडेंस थ्योरी डार्विन ने प्रपोज करी थी कि कैसे इतनी गहराई तक ये रीफ जो है वो पहुँचती है, और इसी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा था कि लैंड या आइलैंड जहाँ पर सबसे पहले ये कोरल पॉलिप अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करते हैं, वो लैंड या आइलैंड का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे यानी ग्रेजुअल सब्सिडेंस के अंतर्गत जो है वो पाता है। ये पहले वो लैंड जो है स्टेबल है, उसके ऊपर सारे पॉलिप्स अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर लेते हैं, सी सरफेस तक पहुंच जाते हैं, वो लैंड सबसाइड करने लगता है, और सब्सिडेंस में अपने सर्वाइवल के लिए ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात यहाँ आती है, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ इनकी आउटवर्ड ग्रोथ होती है, और एक जो ग्रोथ है इनकी वो आउटवर्ड भी है और बात करी जाए तो अपवर्ड ग्रोथ भी है, यानी दोनों की दोनों जो ग्रीफ जो ग्रोथ हैं वो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने मानी है कि ये लैंड जब सबसाइड करने लग जाता है तो सबसाइड करने से पहले वो जो कोरल पॉलिप वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो कोरल पॉलिप एक कोरल की डेवलपमेंट कर देते हैं उस लैंड के साथ साथ, और ये जो लैंड के साथ साथ डेवलप होती है कोरल, इसको फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। और इसके बाद जब वो लैंड सबसाइड करने लगता है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के प्रभाव में आकर, तो ये कोरल पॉलिप दो तरह से ग्रो करते हैं, एक अपवर्ड ग्रोथ होती है यानी समुद्र की सतह की तरफ पहुंचने लगते हैं, और एक ये लैंड से दूर यानी आउटवर्ड ग्रोथ भी होती है। और जब ये आउटवर्ड ग्रोथ इनकी होना शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे जो कोस्टल एरिया है और जो ओशियनिक या जो रीफ का एरिया है उसके बीच में एक गैप क्रिएट होने लग जाता है, जिस गैप को लगून का नाम दिया गया था, और धीरे धीरे जो है ये फ्रिंजिंग रीफ और बैरियर रीफ के बीच में एक ब्लैंक पार्ट जो है खाली भाग हो जाता है जिसको लगून कहते हैं। और यही जो रीफ है वो जब आगे बढ़ जाती है यानी जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है उनको उनसे उसका संपर्क टूट जाता है तो ये बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद इनका मानना था कि वो पूरा का पूरा लैंड जब सबमर्ज कर जाता है सी लेवल में, समुद्र की सतह से नीचे चला जाता है, तो उसके चारों तरफ जो है एक रिंग शेप में जब ये कोरल डेवलप हो जाता है, ये रीफ डेवलप हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अटोल की जो है वो डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पर देखिए, यदि आप देखें तो जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा माना गया है यानी कि फ्रिंजिंग रीफ,
बैरियर रीफ और अटोल, इसको इन्होंने एक सिक्वेंशियल फीचर माना है, यानी सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ डेवलप होती है, फिर बैरियर रीफ डेवलप होती है, फिर अटोल डेवलप होता है। यानी ये एक, अगर आइलैंड हम मान के चले तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है यहाँ इस एरिया में ये कोरल पॉलिप ग्रो करते हैं और यहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद ये लैंड सबसाइड करने लगता है, कोरल पॉलिप ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ जब ग्रोथ करते हैं तो यहाँ पर बीच में एक गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है, और वो गैप क्रिएट होने के बाद ये जो रीफ डेवलप होती है ये बैरियर रीफ डेवलप होती है। और फिर इनका मानना था कि ये जब बीच का जो आइलैंड था ये पूरी तरह से सबमर्ज हो जाता है तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको अटोल का नाम दिया जाता है। तो ऐसा जो है वो मानना है सब्सिडेंस थ्योरी में। 1842 में इन्होंने मॉडिफाई करके अपनी थ्योरी को जो है अच्छे से प्रपोज किया था, और ऐसा मानना है चार्ल्स डार्विन का कि कुछ इस प्रकार से एक सिक्वेंशियल फॉर्म में जो है ये कोरल डेवलप होता है। इसके एविडेंसेस की, यानी फेवरिंग एविडेंसेस की यदि बात करी जाए तो जो लगूनस हैं उनकी बहुत ज़्यादा गहराई का ना पाया जाना इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि यदि जो है ये सब्सिडेंस ना होता लैंड का तो लगातार जो मरीन सेडिमेंट और कोरल, जो डेड कोरल्स वहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं उनकी वजह से लगून का जो भाग था वो धीरे धीरे भर जाता और पूरी तरह से वहाँ पर वाटर जो है वो आउटफ्लो कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लैंड धीरे धीरे जो है सबसाइड कर रहा है। इसके अलावा जो कोरल आइलैंड्स हैं वहाँ पर क्लिफ का जो है वो ना पाया जाना, ये भी जो है इन स्टेशनरी जो कोरल है उसकी तरफ इशारा करता है कि यदि वहाँ पर इन आइलैंड्स के एरिया में यदि क्लिफ नहीं पाई जाती तो उसका कारण है कि जो बैरियर रीफ है वो एक बैरियर का काम करती है और वहाँ पर इरोजन को होने से रोक के रखती है। तीसरा, यदि कोस्ट और आइलैंड्स की बात करी जाए पैसिफिक ओशियन में, तो ये इनका मानना है कि यहाँ पर अधिकांश जो आइलैंड पाए जाते हैं वो एमर्जिंग आइलैंड है, वो समुद्र की सतह से ऊपर आ रहे हैं, और यही कारण है कि इस महासागर में जो है कोरल की डेवलपमेंट सबसे कम देखने को मिलती है। और जहाँ पर ये आइलैंड्स हैं, जहाँ पर ये अटोल पाया जाता है उसकी जो स्टीप स्लोप है, उसकी स्लोप का स्टीप पाया जाना जो है इशारा करता है कि यहाँ पर जो है लैंड का सब्सिडेंस लगातार हो रहा है। और कोरल की जो थिकनेस है वो नीचे की तरफ भी ज़्यादा चौड़ाई पाई जाती है इसकी, और उसकी थिकनेस का डाउनवर्ड पाया जाना भी जो है इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। और इस डायग्राम में देखिए, यदि हम देखें तो ये वो पहली अवस्था है जब इस आइलैंड के चारों तरफ फ्रिंजिंग रीफ डेवलप होती है, ये आइलैंड सबसाइड करने लग जाता है और बैरियर रीफ डेवलप हो जाती है। लैंड पूरी तरह से जब ये आइलैंड सबमर्ज हो जाता है तो उसके बाद जो है अटोल की डेवलपमेंट होती है। ऐसा कुछ सिक्वेंशियल जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, यानी ये जो तीन प्रकार हैं ये चार्ल्स डार्विन के अनुसार ये सिक्वेंशियल स्टेज हैं असल में, यानी एक सिक्वेंस के अंतर्गत जो है विकसित होते हैं। दूसरी थ्योरी की इस डायग्राम में भी देखिए आप, अगर फ्रिंजिंग रीफ की, बैरियर और अटोल की बात करें तो वह वैसा ही जो है कुछ यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन इस डायग्राम में देखने को मिलता है। दूसरी थ्योरी की बात करें मुरे की, जो पूरी तरह से अपोजिट है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की, क्योंकि इन्होंने जो है वो लैंड को, इन्होंने का मानना था कि लैंड जो है स्टेबल होता है, सब्सिडेंस नहीं होता है लैंड का, और उसका सब्सिडेंस ना होने के कारण ही जो है इस थ्योरी को भी स्टैंड स्टील थ्योरी का नाम दिया जाता है। 1880 में ये थ्योरी चैलेंजर एक्सपेडिशन से जो डेटा आया था उसके आधार पर मुरे के द्वारा प्रपोज करी गई थी, और इनका ये मानना था कि 180 फीट की जो गहराई है वो आइडियल डेप्थ है जहाँ तक ये कोरल पॉलिप्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, ये कोरल पॉलिप एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इनका कहना था कि 180 फीट की गहराई पे ये जो प्लेटफॉर्म डेवलप होते हैं, ये प्लेटफॉर्म और इसके साथ साथ जो सी का लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, यानी ये अनचेंज्ड सी लेवल से संबंधित और स्टेबल लैंड से संबंधित थ्योरी है। इनका कहना है कि कुछ भी पीक, कुछ भी जो है वोल्केनिक पीक्स है, प्लेटफॉर्म है या आइलैंड है जो समुद्र की सतह से ऊपर पाए जाते हैं, वेव इरोजन की वजह से वो लगातार जो है वो वहाँ पर इरोजन होता रहता है, और इरोजन होते होते
वो 180 फीट की गहराई को अटेन कर लेते हैं जहां पर ये कोरल पॉलीप एग्जिस्ट करती है और एक सूटेबल प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा यदि ये प्लेटफॉर्म या पीक ये आइलैंड 180 फीट से ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं तो जो मरीन सेडिमेंट है वो इनके ऊपर डिपॉजिट होता रहता है और 180 फीट की ऊंचाई तक इनको पहुंचा देता है। यही वो इन दो अवधारणाएं हैं जो मुरे के द्वारा ली गई थी। हालांकि ये थ्योरी अपने शुरुआती दौर में बहुत पॉपुलर हुई थी लेकिन बाद में इसका जो क्रिटिसिज्म आया वो इन्हीं दो अवधारणाओं के ऊपर जो है वो आधारित भी था, बाद में उसको देखेंगे। यहाँ पर मुरे कहते हैं कि जब एक सूटेबल डेप्थ यानी 180 फीट की गहराई जब इन प्लेटफॉर्म की आ जाती है तो कोरल पॉलीप्स जो हैं वो इस एरिया में ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो कोस्ट की तरफ होती है और समुद्र की तरफ होती है यानी अपवर्ड होती है और टुवार्ड्स कोस्ट होती है और वहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके बाद कुछ समय बाद जो है ये जो कोरल पॉलीप्स हैं अपनी जो इनकी डेब्रीज है यानी जो डेड हो जाते हैं वो जो सेल डेवलप हो जाती है उस सेल के ऊपर ग्रो करते करते ये आउटवर्ड ग्रो करते हैं यानी समुद्र जो हमारा कॉन्टिनेंटल जो कोस्टल एरिया है उस कोस्टल एरिया से बाहर की तरफ इनकी ग्रोथ होती है और ऐसी ग्रोथ अगर लंबे समय तक जारी रहती है तो बीच में लगून डेवलप हो जाता है और ये जो फ्रिंजिंग रीफ थी ये बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जो सबमरीन प्लेटफॉर्म्स हैं इनके टॉप के एरिया के ऊपर ये जो आउटवर्ड ग्रोथ है अगर ये सभी दिशाओं में एक समान हो जाए तो ऐसी अवस्था में अटोल की जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है उस एरिया में और लगून वार्ड जो साइड होती है अटोल की वो डेड पॉलिप से मिलके बनी होती है, डेड कोरल वहाँ पाया जाता है और जो सी वर्ड साइड होती है वहाँ पर जो लिविंग लगून्स हैं जो सी लिविंग जो पॉलिप्स हैं वो पाए जाते हैं। और जो कोरल पॉलिप्स का जो डेड पार्ट है इस डेड पार्ट का ही जो एग्जिस्टेंस है उस डेड पार्ट्स की वजह से ही ये जो लगून है इन लगून्स की जो डेप्थ है वो सेलो पाई जाती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और जो ध्यान देने की है वो ये है यानी यहाँ पर मुरे ने कहा था कि यदि हम कुछ इस प्रकार से इस थ्योरी को मान के चले कि ये हमारा एक आइलैंड है उस आइलैंड पे ये हमारी जो है पहले फ्रिंजिंग रीफ डेवलप हुई और जब इसकी आउटवर्ड ग्रोथ शुरू हुई तो ये जो डेड कोरल था यहाँ पर ये डेड कोरल डिजोल हो जाता है और इसके डिजोल्यूशन की वजह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है, लगून की डेवलपमेंट होती है। और ये दूसरी चीज़ है जो मुरे का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म विकसित करती है। और इवेल्युएशन में देखिए इसी चीज़ को यदि हम देखें कि शुरू में तो काफ़ी पॉपुलर हुई थी बाद में क्रिटिसिज्म क्या आया, क्रिटिसिज्म जो सबसे बड़ा था जो एग्जिस्टेंस है सूटेबल सबमरीन प्लेटफॉर्म्स का वो सबसे बड़ा जो है यानी उतनी ही गहराई के ऊपर इतना परफेक्टली किस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरा यदि वेव सी वेव्स इरोजन कर रही हैं कुछ आइलैंड्स का कुछ पीक्स का तो कुछ जो सबमर्ज्ड जो एरियाज हैं वहाँ पर डिपोजिशन कैसे संभव हो जाएगा यानी इरोजन और डिपोजिशन दोनों जो साथ साथ इसने बात करी कि कुछ ऐसे जो हैं जैसे यहाँ पर हम बात करें ये हमारा सी लेवल है एक पीक तो सी लेवल से ऊपर है और एक पीक नीचे पाई जाती है तो इनका कहना था कि ये जो वेव्स हैं ये इसको इरोड कर देती हैं और इरोड करते करते 180 फीट की गहराई पर ले आती हैं और ये जो नीचे था यहाँ पर वो डिपोजिशन कर देती हैं। तो ये दोनों की दोनों जो थ्योरीज हैं ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट्री थ्योरीज हैं और यही जो है इसका क्रिटिसिज्म भी बनता है कि या तो वो डिपोजिशन करेंगी या इरोजन करेंगी और 180 फीट की जो गहराई है दोनों ही परिस्थितियों में वो भी स्वीकारनीय नहीं है। और फिर जो मैंने दूसरी बार जो हाईलाइट किया था पीछे कि लगून की यदि फॉर्मेशन इन डेड कोरल्स के डिजोल्यूशन की वजह से होती है तो बाद में ये कहते हैं कि इन डेड कोरल्स का डिपोजिशन ही जो है इन लगून्स की सेलो डेप्थ के लिए जिम्मेवार पाया जाता है। तो वहाँ पर अगर डिजोल्यूशन हो रहा है पहले जब जो लगून डेवलप हो रहा था तो बाद में भी तो वो जो डेड कोरल्स हैं उनका डिजोल्यूशन हो सकता है और ये सेलो डेप्थ जो है वो नहीं विकसित हो सकती है। और ये प्लेटफॉर्म यदि कम्प्लीटली स्टेबल हैं सबमर्ज नहीं हो रहे हैं सबसाइड नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो डेड कोरल इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है वो डेड कोरल भी जो है वो इसको फिल कर सकता है। यानी मुरे ने जो अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट्स जो कंसीडरेशंस अपनी थ्योरी को
कोरल रीफ की डेवलपमेंट के लिए कंसीडर किए, वही जो है वो मुरे का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि इन्होंने जो आइडियल कंडीशंस बनाने का प्रयास किया, वही आइडियल कंडीशन जो है इसका क्रिटिसिज्म जो है वो धीरे धीरे विकसित होता चला गया। और इस डायग्राम में देखिए, इनका ये कहना था कि ये जो है एक सी लेवल है, इस सी लेवल के ऊपर यानी जो भी प्लेटफॉर्म था उसका इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, यहाँ तक हो गया और यहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ की डेवलपमेंट हुई। ये जो फ्रिंजिंग रीफ थी बाद में आउटवर्ड ग्रो करी, इस एरिया में डिजोल्यूशन हुआ और डिजोल्यूशन होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर लगून की डेवलपमेंट हो गई। और फिर इसने कहा कि जो टॉप ऑफ द एरिया था वहाँ पर अगर सभी दिशाओं में एक साथ अगर ये कोरल डेवलप होना शुरू हो जाता है तो ये धीरे धीरे अटोल को डेवलप करता है। ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुरे का था, लेकिन ये थ्योरी जितनी शुरू में पॉपुलर हुई थी बाद में उतनी ही बुरी तरीके से इसको क्रिटिसाइज जो है वो किया भी गया था। और फिर यदि हम ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी की बात करें जो दिल्ली के द्वारा प्रपोज करी गई थी, 1915 में ये थ्योरी दिल्ली ने प्रपोज करी थी। और दिल्ली का प्रपोजल जो है इस थ्योरी का तब आया था जब उन्होंने ये मान लिया था कि जो ये स्वीकार हो गया था कि प्लिस्टोसिन जो आइस एज थी उसके बाद जो अधिकांश आज के समय में जो मैक्सिमम कोरल रीफ पाई जाती है वो प्लिस्टोसिन एज के बाद की है, तब इन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया था। और इस प्रपोजल में उन्होंने कहा 198 से लेकर लगभग 228 फीट तक जो है ग्लेशिएशन के दौरान जब धरातल के ऊपर प्लिस्टोसिन एज में बर्फ की मात्रा बढ़ रही थी तो लगातार सी लेवल डिक्लाइन कर रहा था, सी लेवल का टेम्परेचर भी कम होता जा रहा था और 228 फीट तक जो है वो सी लेवल डिक्लाइन कर गया। और उसके डिक्लाइन करने के साथ साथ जो टेम्परेचर था उसके कम होने की वजह से उस समय जो अधिकांश कोरल पॉलिप्स जो एग्जिस्ट कर रहे थे उन सभी कोरल पॉलिप्स की जो है वो डेथ हो जाती है, समुद्र की सतह नीचे आ जाती है, वेव का इरोजन स्टार्ट हो जाता है, एब्रेजन एक्टिविटी के बदौलत आइलैंड के एरिया में, कॉन्टिनेंटल कोस्ट के एरिया में ये जो वेव्स थी वो एक प्लेटफॉर्म को डेवलप कर देती हैं। इसके बाद जब प्लिस्टोसिन एज ख़त्म होती है, वार्म पीरियड आता है, जो धरातल की बर्फ़ थी कॉन्टिनेंटल एरिया का जो आइस कवर्ड एरिया था वो पिघलना शुरू हो जाता है, उसके पिघलने के साथ साथ जो पानी है वो समुद्र में ऐड होने लगता है, सी लेवल राइज करता है और धीरे धीरे जो मरीन वाटर था उसका टेम्परेचर भी राइज करने लग जाता है। और ये जो जितने भी वेव कट प्लेटफॉर्म डेवलप हुए थे ये सारे के सारे जो सी वाटर है उसमें सबमर्ज कर जाते हैं और कुछ कोरल पॉलीप जो है जो इन्होंने माना, जो इसका क्रिटिसिज्म भी है, जो सर्वाइव कर गए थे वो कोरल पॉलीप इन वेव कट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। और उस एस्टेब्लिशमेंट की बदौलत फ्रिंजिंग रीफ डेवलप होती है। जो नैरो वेव कट प्लेटफॉर्म थे जो बहुत नैरो थे वहाँ फ्रिंजिंग रीफ डेवलप होती है, जो ब्रॉडर थे उन एरियाज में जो है ये जो अटोल पीक है या बैरियर रीफ की डेवलपमेंट होती है। और एक आइसोलेटेड यदि जो है वो प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ था तो उसके चारों तरफ अटोल जो है वो डेवलप हो जाता है, रीफ और लैंड के बीच में लगून की डेवलपमेंट होती है। और इसका इवेल्युएशन यदि हम देखें तो जो डेप्थ है लगून की अटोल और बैरियर दोनों के केस में वो एक समान नहीं हो सकती, जैसा कि इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है वो माना था कि यदि आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म था तो वहाँ पर बैरियर रीफ डेवलप हो गई, अटोल डेवलप हो गया, और अगर ब्रॉडर था तो वहाँ पर बैरियर रीफ डेवलप हो गई। और दोनों परिस्थितियों में जो है जो लगून डेवलप हुआ उस लगून की जो डेप्थ थी वो एक समान थी, ऐसा संभव होना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, वेव इरोजन जो है जब सी लेवल नीचे जा रहा था उस दौरान जो हुआ उसकी वजह से क्लिफ भी जो है उस एरिया में डेवलप हुई होंगी, तो उस क्लिफ का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं पाया जाता है। जो इस थ्योरी के जो प्रूफ्स हैं उनको डिनाई करता है, यानी अगर वेव कट प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार से इसको यदि हम समझें, हमारा सी लेवल डिक्लाइन किया और यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये वेव कट प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया तो लगातार ये जो सी वेव जब टकराई तो इस एरिया में एक क्लिफ भी डेवलप हुई होगी, बाद में जब सी लेवल राइज किया तो ये क्लिफ यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये क्लिफ का जो एग्जिस्ट करते हुए ना पाया जाना जो है वो एक बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है दिल्ली की थ्योरी का। और फिर ये कहते हैं कि अगर ये सारे आइलैंड 228 फीट की गहराई तक इरोड हुए थे
तो जो रीफ है और जो कोस्टल एरिया है उसके बीच में कोई भी जो है वो लैंड नहीं पाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीफ के और कोस्टल एरिया के बीच में भी कई सारे आइलैंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो इस थ्योरी को झुठलाते हैं। और इस डायग्राम में देखिए, यदि हम देखें तो यहाँ पर यही चीज़ जो है वो दिखाई गई है, यानी ये पहली स्टेज है और फिर ये वेव कट प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाता है, सी लेवल राइज करता है, सबमर्ज हो जाता है, यहाँ फिर जो है फ्रिंजिंग रीफ डेवलप होती है, ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है, बैरियर रीफ डेवलप हो जाती है और यहाँ पर धीरे धीरे अटोल भी जो है वो डेवलप हो जाता है। चौथी थ्योरी, ये थ्योरी तो नहीं है बल्कि WM डेविस बेसिकली जो डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि WM डेविस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो चार्ल्स डार्विन का था, तो चार्ल्स डार्विन की जो सब्सिडेंस थ्योरी थी और इसके अलावा जो सी लेवल चेंज के बाद डेली ने करी थी, इन दोनों थ्योरीज का जो मिला जुला जो एक्सप्लेनेशन है वो WM डेविस ने अपने कॉन्सेप्ट में दी थी, और कोई एक अलग थ्योरी इन्होंने नहीं दी थी, बल्कि जो क्रिटिसिज्म हुआ था, चाहे वो डार्विन का हुआ था, चाहे वो मुरे का हुआ था, चाहे डेली का हुआ था, और कुछ ऐसी अनसोल्ड प्रॉब्लम रह गई थी जो रीफ की डेवलपमेंट को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उनको एक्सप्लेन करने का काम जो है वो WM डेविस ने किया 1914 से 1918 के बीच में, और 1928 में ये कई सारे ऐसे प्रूफ जो है वो लेकर आए जो उस अनसोल्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे, जो बैरियर रीफ के या सॉरी जो कोरल रीफ के डेवलपमेंट से संबंधित थी। जैसे इन्होंने बात करा और ये फेवर करते हैं कि जो सब्सिडेंस है लैंड का वो होता है और तभी ये रीफ की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इनका मानना था एक तो ये जो इंडेंटेड और एम्बेड जो कोस्ट लाइन है ये सबमर्जेंस को शो करती हैं, यानी लैंड सबमर्ज हो रहा है। और इसके अलावा इनका मानना है कि यदि लैंड स्टेबल होता तो क्लिफ एग्जिस्ट जरूर करती, और जहाँ पर ये रीफ पाई जाती हैं उस एरिया में क्लिफ नहीं पाई जाती, जो बताती है कि लैंड का सब्सिडेंस जारी है। और जो लगूनस की बॉटम जो फ्लैट पाई जाती है और उनकी जो यूनिफॉर्म डेप्थ पाई जाती है, इनका मानना है कि वो डिपोजिशन की वजह से होता है, मैरीन सेडिमेंट हैं या कोरल डेब्रीज हैं, उनका लगातार डिपोजिशन उनकी डेप्थ को शैलो बना के रखता है। लेकिन यदि ये लैंड का सब्सिडेंस ना हो रहा हो तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो लगून है वो इन सेडिमेंट से भर जाए, वाटर ओवर स्पिल करेगा, ओवर स्पिलिंग वाटर जो सी वॉर्ड जो लिविंग पॉलीप है उसको डेड कर देगा, कोरल ब्लीचिंग होगी उस एरिया में और रीफ उस एरिया से एक्सटिंक्ट कर सकती है। तो इनका मानना था कि लैंड सबसाइड करता है और इसी कारण जो है ये जो डेप्थ है ये सैलो लगातार बनी रहती है। फिर इन्होंने कहा ये लोवरिंग ऑफ सी लेवल भी जो है उसको असिस्ट करते हैं, और इनका मानना है कि सी लेवल जब जो है वो नीचे गया था तो उस एरिया में जो क्लिफ एग्जिस्ट नहीं करती है उसका कारण है कि जो रीफ थी उस रीफ ने उन वेव इरोजन के प्रति वो जो कोस्टल एरिया था उसको प्रोटेक्ट किया था, और सी वेव्स और कोस्ट के बीच में रीफ एग्जिस्ट कर रही थी और उसी रीफ ने जो है उस एरिया में क्लिफ की डेवलपमेंट नहीं होने दी थी जिस एरिया में अब ये रीफ एग्जिस्ट करते हुए पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये जो थ्योरी है फिजियोग्राफिक एप्लीकेशन के द्वारा जो सब्सिडेंस है और दूसरा जो सी लेवल का जो चेंज है इन सभी को डिफेंड करती है, और असल में ये एक ऐसी थ्योरी है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और रेयरली कोई ऐसी थ्योरी जो है वो देखने को मिलती है जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज जो हैं उनको सपोर्ट करती हैं। और ये कुछ इसी प्रकार की थ्योरी WM डेविस ने दी थी, जहाँ पर ये सी लेवल के चेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं और टेक्टोनिक जो चेंज है लैंड मास का उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, और इन सब का मिला जुला जो रूप है वो WM डेविस की थ्योरी में आता है। तो कोरल रीफ को लेकर हमारा जो है वो डिस्कशन यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में और जो बेसिक है रीफ को लेकर उसको समझने में ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और आपसे मेरा अनुरोध जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ इस वीडियोज़ को आप देखिए भी और इसको शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।